मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंफर्ट मील है राजमा चावल, वो भी जो मम्मी बनाती हैं संडे की दोपहर को। लेकिन अगर आप हेल्दी खाने की सोच रहे और आपको बिना तेल के लो कैलोरी खाना चाहिए तो इंसान क्या करे, क्या करे? राजमा बनाए बिना तेल के, कैसे? चलिए देखते हैं हमारी आज की रेसिपी, पंजाबी स्टाइल राजमा बिना तेल के। शुरू करते हैं। अब देखिए, पंजाबी जो होते हैं ना, वो थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं अपने खाने को लेकर, स्पेशली राजमा, कड़ी, इस तरीके की चीजें। इसलिए आज की जो हमारी रेसिपी है ना, उसके अंदर टेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टेस्ट वही भरपूर आएगा, इस बात की जो हमारी गारंटी है। ओके, प्याज को मैं क्या कर रहा हूँ, रफली कट कर रहा हूँ। आप चाहे तो घर पर कद्दूकस भी कर सकते हैं इसे। और प्याज को हम पीस लेंगे। ये देखो जी, अनियन गया, साथ ही ग्रीन चिली, ये अदरक है, अगेन रफली कट, और थोड़ा सा गार्लिक, और ये अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर, और बगैर पानी के इसे हमें पीसना है। पिस गया जी, पिस गया, बिल्कुल पिस गया, वाह। देखिए, कोई भी चीज अगर आपको हेल्दी बनानी है, लो कैलोरी बनानी है, तो थोड़ा सा उसमें लगता है दिमाग, और थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपको इक्विपमेंट की, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले हम लेंगे तेजपत्ता, बिल्कुल वही मसाले जो राजमा में आमतौर पर डालते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना है बिना तेल के। देखते जाइए, मम्मी डालते हैं ये मोटी इलायची और जीरा, लाइटली से हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा रंग इसका चेंज हो गया, भुन गया, तो अब इसमें जाएगा हमारा प्याज का ये पेस्ट। अब ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की जो पेस्ट है उसे हम अच्छे से भूनेंगे, और इसको पकाना जब तक कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ना निकल जाए। अब देखिए, तेल जब हम डालते हैं तो क्या होता है, तेल का तापमान बढ़ता है तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। इस सूरत में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, ज़रा सा, लेकिन प्याज फिर भी भुन जाएगा। सुपर। अब ये देखिए, पक पक करना है, ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया ये। अब इसका जो रंग रूप है उसको हम निखारेंगे इसमें मसाले डालकर। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, मिक्स अप। ये देखिए किस तरीके से इसका जो रंग है वो चेंज होगा। ट्रिक इस कि इसको कंटिन्यूसली बस चलाते रहिए। ये देखिए किस तरीके से प्याज का जो रंग है वो बदल गया। नाउ हमारे पास ताज़े टमाटर थे जिसको हमने मिक्सी में बिना पानी के प्यूरी कर लिया, ये इसमें जाएगा। साथ ही थोड़ा सा नमक, और इसको अब हम भूनेंगे अच्छे से। और देखिए, टमाटर डालते ही किस तरीके से उसका जो रंग रूप है बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल वही बनेंगे जो घर पर बनते हैं राजमा, वैसा ही टेस्ट, लो कैलोरी। जब तक टमाटर भुन रहा है मैं आपको दिखा दूं, ये है राजमा, राजमा चित्रा कहते हैं इसे, और ये जो चित्रा राजमा है ये टिपिकल पंजाबी राजमा जो बनता है उसमें इस्तेमाल होता है। इसे मैंने भिगो कर रखा है। अब इस राजमा को हम छान लेंगे। बढ़िया, देखिए 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे राजमा, राजमा गोज इन, और अब इसे हम भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। मेरी मम्मी कहती है कि भूनकर जो स्वाद आता है राजमा का, वो सिर्फ प्लेन उबालने में नहीं आता, इसलिए 5-7 मिनट इसे हाई फ्लेम पर हम अच्छे से भूनेंगे। ये अच्छे से भून गया तो अब इसमें जाएगा पानी। ये देखिए, पानी डालते ही थोड़ा शांत, गिव इट अ नाइस स्टर, अच्छे से मिला लीजिए इसे, और अब इसको लगेगा ढक्कन। अब हाई फ्लेम करनी है और 1 सीटी की इंतजार करनी है, उसके बाद फ्लेम हल्की और 2 सीटी या 3 सीटी और दे दीजिए। इसे हम पकाएंगे इन निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर विद न्यूट्रीवेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें है यूनिडायरेक्शनल स्टीम रिलीज। इसकी यूनिक शेप, यूनिक क्लिप लॉक, स्टर्डी बेकलाइट हैंडल्स और इंडक्शन कंपैटिबिलिटी इसे बनाता है आपका परफेक्ट किचन साथी।
अब जो बढ़िया राजमा है उसके अंदर टुवर्ड्स द एंड डाली जाती है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी में ना काफी मॉइस्चर होता है, इसलिए पैन को हमें अच्छे से गर्म करना है। हो गया, एंड गैस ऑफ, दैट्स इट। अब इस गर्मा गर्म पैन पर हम डालेंगे कसूरी मेथी। अब एक मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। कसूरी मेथी होती है बहुत ही नाजुक, इसलिए उसे फुल हीट पे गर्म नहीं करते, पैन की गर्माहट में ही वो कड़क हो जाएगी। इसे हम कुक करेंगे ऑन न्यूट्री हेल्थ प्रो फ्राइंग पैन विद एंटी बैक्टीरियल कोटिंग एंड सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी। ये फंक्शनल होने के साथ काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है। अब बस इस सूखी मेथी को हाथ में यूं लेकर हल्के हाथ से यूं मसल देंगे। कसूरी मेथी तैयार, राजमा भी तैयार। गैस करेंगे बंद और 10-15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, अपनी ही हीट में ये पकेगा। उसके बाद खोल के इसे तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे बढ़िया राजमा तैयार हैं। अब देखिए जब ताजे राजमा बनते हैं ना तो तरी थोड़ी पतली होती है, इसलिए 5 मिनट के लिए इसे अब हम पकाएंगे, काढ़ेंगे, ताकि इसकी ग्रेवी थिक बने। तो इसलिए गैस ऑन अगेन, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी, थोड़ा गरम मसाला और ताजा हरा धनिया। गिव इट अ नाइस मिक्स, और देखिए धीरे धीरे जो इसकी तरी है वो किस तरीके से गाढ़ी हो रही है। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है यार, और देखिए किस तरीके से गाढ़े हो गया, परफेक्ट बने आपके सामने है जी। एक बूंद तेल की नहीं लगी और फिर भी बढ़िया राजमा तैयार है। तो चलिए परोसते हैं इसे। हमारी ये डिश तैयार है, लेकिन ऐसी ही बढ़िया डिशेस आपको घर पर अगर बनानी है तो आपको चाहिए एक ऐसा प्रेशर कुकर जो दे आपका साथ रेसिपी के हर स्टेज पर, जैसे कि निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर विद न्यूट्रीवेंट टेक्नोलॉजी और हमारे नो ऑयल राजमा चावल। सुपर, पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर तेल गया ही। दिस इज टू गुड।